योगी सरकार के नेतृत्व में 2250 घरेलू बायोगैस संयंत्रों की स्थापना होगी। इसके लिए प्रदेश के 4 जनपद का चयन किया गया है। 2250 घरेलू बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए सिस्टेमा बायो संस्था को पर्यावरण निदेशालय में स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पर्यावरण निदेशालय को 2250 घरेलू बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य सौंपा गया है। सिस्टेमा बायो संस्था अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी और गोंडा के ग्रामीण क्षेत्रों में संयंत्रों की स्थापना करेगी। संयंत्रों के इस्तेमाल से खाना पकाने के लिए बायोगैस के साथ साथ कृषि के लिए उपयोगी जैविक खाद भी मिल सकेगी। वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक बायोगैस संयंत्र की कुल लागत 39,300 रुपए है। इसमें लाभार्थी किसानों को केवल 3,990 रुपए ही अंशदान करना होगा। बाकी लागत का प्रबंध केंद्र सरकार की केंद्रीय वित्तीय सहायता और कार्बन क्रेडिट से किया जाएगा। इस योजना का एक अनूठा पहलू ये है कि सिस्टेमा बायो संस्था द्वारा संयंत्र से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट का विक्रय कर 20,960 रुपए की व्यवस्था की जाएगी, जिससे किसान पर आर्थिक भार कम रहेगा। ये कार्बन फाइनेंसिंग मॉडल न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है, बल्कि किसानों के लिए सस्ता और टिकाऊ भी है।